फुलबाड़ी के बीच में पड़ता है, बहुत फेमस है करियातपुर। ये देखिए यहाँ जा रहा है, क्या मस्त रिपेयरिंग चालू कर रहे हैं मशीन। फ्राई कीजिए आज थोड़ा बहुत। और देखिए हमारे भाई, और देखिए ये नज़ारा, गाड़ी में 100 रुपये। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं एम एस सजा और आप देख रहे हैं एम एस सजा ब्लॉग। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम और हमारे दोस्त लोग जा रहे हैं बड़ी चौक घूमने के लिए, जो चौपारण चौराहा है, बीच का चौक है चौपारण। उधर से धनबाद और हजारीबाग कोडरमा मिलती है, वहाँ का लोकेशन दिखाऊंगा। समझ ले यहाँ बड़ी से लेकर बरकथा में सबसे मशहूर है बड़ी, वहाँ का वीडियो आप लोग को दिखाऊंगा। वहाँ का फूल करने जा रहा हूँ, दरअसल बैंक जा रहा हूँ, वहाँ का काम है, तो वहाँ का दिखाता हूँ नज़ारा। आप लोग वीडियो में बने रहे हैं। दोस्तों हम लोग चल निकल चुके हैं और हमारे दो पीछे पड़े हुए हैं, और हमारे सोनू भाई यानी कि सरवर भाई, जो पहले आप लोग को वीडियो में दिखाया था वो ब्लॉग में, कुनार डैम के ब्लॉग में। ये हमारा शाहिद भाई, ये हमारा यूट्यूब ब्लॉग एजे वाला, और सब लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, निकल मंजिल कहीं और सफर में निकले हम लोग। तो देखिए ये हमारा मोगाड़ा का पहाड़ है, यहाँ बहुत कि पहाड़ों से चारों तरफ से घिरा हुआ है हमारा झारखंड। हमारे झारखंड जैसा कोई इंडिया में कोई राज्य नहीं है। देखिए कितना सुंदरता है हमारे झारखंड। हम लोग अभी करियातपुर आ गए हैं, जो बरसों और बरी के बीच में पड़ता है, बहुत फेमस है करियातपुर। ये देखिए यहाँ जा रहा है, क्या मस्त ये मंदिर है, शायद मंदिर है। ये घर देखो कितना मस्त बनाए हैं, अभी सबकी घर टूटी हुई थी कुछ सालों पहले, नया नया रोड बन रहा है ना, इसलिए सबके घर टूटी हुई है। और हमारे सरवर भाई था लगातार इस के में चला रहे गाड़ी, हमारी गाड़ी है। देखिए यहाँ का नज़ारा, उन दोस्तों लोग हम लोग पेट्रोल भराने आए हैं अभी, हमारे दोनों गाड़ी लाइन पे लगी है इधर। और ये देखो पेट्रोल रहा पचमाधो, लोकेशन इसका पचमाधो का है, और हमारा यीशु भाई भी यहाँ खड़े हैं पेट्रोल भराने के लिए। हमारे सेठ है ये, इसी की वजह से हम लोग घूमने जा रहे हैं। और देखिए यहाँ का पचमाधो का, अगर कहीं बारिश आए आप लोग तो पचमाधो में पेट्रोल भरा लीजिएगा, पचमाधो का बीच लोकेशन है इसका। और देखिए नज़ारा, गाड़ी में 100 रुपये का पेट्रोल भर दिया हमारे सर और भाई। ये हम लोग पेट्रोल भरा के निकल चुके हैं, और इधर देखिए पूरा हम लोग पेट्रोल भरा के निकल चुके हैं। हम लोग दोनों भाई सरवर भाई और हमारे दो पीछे रह गए हैं, अभी भराए भराए माता मन करे तो पहले से आगे भी निकल जाए घूमने के लिए। आप लोग वीडियो में बने और देखिए हमारे वीडियो को और इंजॉय लीजिए हमारे वीडियो को। देखिए हमारे साथ दोनों भी आगे पीछे रह गए थे, दोनों आपको दिखाता हूँ, बहुत कमाल का चीज़ है। और ये देखिए पपलेन, यहाँ कितना सारे पपलेन है। हमारे भाई लोग और हमारा सरवर भाई ऑपरेटर एसी का काम करता है। देखिए हम लोग बाहर में रहते हैं तो हमारा भाई लोग इसी का काम करते हैं पपलेन। ये लगता है शायद इंडिया में सबसे ज़्यादा बिक्री और सबसे ज़्यादा ये बरही में ही पपलेन पाया जाता है। आप लोग देखिए पपलेन का कितना सारा है, अभी बरसात का मौसम है इसलिए सब क्या
तरुण भाई? रिपेयरिंग के लिए आके रखे रिपेयरिंग किए हैं और कुछ नया भी मशीन आते हैं यहाँ पे और लोग लेके फिर जाते हैं काम काम मतलब हर जगह जाता है मतलब ज़्यादा करके बड़ी क्षेत्र हमारा ही झारखंड में है और यहाँ लोग आते हैं। और जिन ऑपरेटर भाई लोग को मैं कहता हूँ जिनको संपर्क करना है तो बड़ी क्षेत्र में आके संपर्क करें और मशीन यहाँ से दाम और सेकेंड हैंड की मशीन भी मिलता है इस जगह पे और रिपेयरिंग अच्छा से होता है इस जगह बड़ी पे अपना झारखंड में आके जिसको चाहिए यहाँ से ले जाइएगा। और मेरा कोरमा भाई जो है बड़ी का एक बार कॉमेडी बताए थे कि हमारा मशीन यहाँ खुलन है ये नया उतरने के लिए रेडी है। और ये और भाई जैसे ने बताया कि क्या संपर्क कर रहे हैं तो इसका लोकेशन बता देता हूँ पटमाधो से आगे और बरही ये बरही का लोकेशन पड़ता। देखिए चालू हो रहा है इसका रिपेयरिंग हो रही चालू कर रहे हैं मशीन ट्राई कीजिए हाय थोड़ा बहुत हाँ देखिए हमारे भाई ने हाय कर दिया हमारे यूट्यूब चैनल के लिए। तो देखिए हमारे यूट्यूब में आप लोग को मैं दिखाता हूँ देखिए ये बरही का बोर है और यहाँ देखिए यहाँ का बोर मारा हुआ चौपारण धोबी शेरघाटी और औरंगाबाद डेहरी सासाराम कितना किलोमीटर है यहाँ से बरही हम लोग पहुँच गए। ये बरही का मेन लोकेशन है मतलब मेन यहाँ से आधा एक किलोमीटर और मेन चौक होगा वहाँ का वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए ये बोर्ड लगा है जगह जगह पर और हम लोग बरही सिटी में मतलब सिटी तो नहीं है लेकिन फिर भी हमारे गाँव के हिसाब से तो ये सिटी ही है और हम लोग बरही में इंटर रुके हैं पानी उनी पीने के लिए यहीं बरही चौक पे और फिर हमारा काम है और बैंक में देखता बैंक के वीडियो बनाऊंगा तो तब तक हम लोग पानी उनी पी लेते हैं। बरही चौक है देखिए और राम भगवान की पोस्टर से लगी इसमें जो आप लोग को दिखाना है तो ये आए थे देखिए कितना सुंदर नज़ारा है हमारा साहिब भाई उसका ड्राइवर आए बोलो देखो चौक के चारों ओर ये पहले नहीं पता था मुझको ये चौक का नाम आवर रखे हैं श्री राम चौक बरही। देखिए राम का पोस्टर भी लगाए हुए हैं और ये तिलैया रोड में हम लोग जा रहे हैं अभी। फाइनली दोस्तों हमारा बैंक का काम हो गया है जो काम करने आया था हमारा एक बैंक खाते खुलाना था वो भी खाते खोल दिए और देखिए ये हमारा पासबुक एटीएम और क्या चेकबुक सब मिल गया साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक अगर आप लोग को खुलाना हो तो एचडीएफसी बैंक को कौन सा रोड कोलरमा रोड में बड़ी चौक के आगे कोलरमा रोड में आप लोग आइए और एचडीएफसी बैंक को वहाँ खुलेगा खाता। और देखिए हमारा सब कुछ मिल गया साथ ही साथ में और अब मेरा भी काम था वो हो गया है। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें तब तक के लिए बाय फिर हम अगले ब्लॉग में मिलते हैं आप लोग से मिले और आप लोग ऐसे ही खुशी बताते हैं कि हम बाय।